नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। आज के दिन हम सबको स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर रक्तदान की बात कहें तो रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस दान से कष्ट में पड़े हुए लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। इसी राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में विश्व के प्रतिष्ठित समाजसेवी संगठन लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता के अलावा पुलिस विभाग के कर्मठ जवानों द्वारा रक्तदान किया गया। इस रक्तदान कैंप में रक्त निकालने और संरक्षित करने की व्यवस्था SGPGI लखनऊ द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन की सहायक पुलिस आयुक्त किरण यादव भी लोगों को रक्तदान की महत्ता समझाती नजर आई। इस मौके पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के उप मंडलाधीश प्रथम लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा ने सी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा कि जन सेवा ही सच्ची सेवा है, इसलिए हम सेवा परमो धर्म की भावना से आगे बढ़ते हुए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं। और रक्तदान तो महादान है, इसमें हम किसी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का महत्वपूर्ण भाग यानी रक्त का दान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल मंडल 321B1 के उपमंडलाधीश प्रथम लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा के अलावा लॉयन आनंद अरुणेश, लॉयन विनीत श्रीवास्तव, लॉयन राजीव जैन, लॉयन विशाल दीक्षित समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ लॉयन पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। अंकित यादव। अंकित यादव, अच्छा ये बताइए कि जैसे आप ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप पहली बार कर रहे हैं या फिर कई बार कर चुके हैं? पहली बार कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम। तो पहली बार की फीलिंग क्या है ये थोड़ा सा बताइए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्यों? इससे ब्लड डोनेशन करने से काफ़ी लोगों की हेल्प होगी, और ये मैंने सर लोगों की बात को मन में रखते हुए पहली बार ऐसा प्रयास किया है और अच्छा लग रहा है ब्लड। तो आप दूसरों को कुछ सीख देना चाहेंगे, युवाओं को, कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए मैम, करना चाहिए। मन में कठोरता से कुछ नहीं है, लेकिन मन को अगर जैसे समझाया सर ने, उसके बाद मेरा मन हुआ मैं ब्लड देने आया, ना तो मैं भी पहले डर रहा था, मन में संकोच था। क्या नाम है सर आपका? नितेश मिश्रा। क्या करते हैं आप? पुलिस में। अच्छा ये बताइए कि आज आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया या? हाँ, पहली बार किया। पहली बार किया, तो पहली बार की आपकी क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड। करना चाहिए लोगों को, इससे लोगों की जान बचती है। इससे लोगों की जान बचती है, अच्छा। तो किसी जरूरतमंद की सहायता होती है। अच्छा, और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मैं भी युवा हूँ, तो युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल है, देना चाहिए ब्लड। अगर आपको जरूरत होगी तो आप देंगे तभी आपको मिलेगा। सी न्यूज भारत मीडिया के समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। मैं डॉक्टर RC मिश्रा हूं, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट। अगले साल जुलाई से मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने जा रहा हूं। आज वर्ल्ड डोनर्स इंटरनेशनल डोनर्स डे है, नेशनल डोनर्स डे है, ब्लड डोनर्स डे है। उसमें जो है यहां पर हमारे एम्बेसडर हैं ब्लड डोनेशन के, विनीत श्रीवास्तव जी ने वहाँ पर एक ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी रखी है, उस एक्टिविटी को मैं भी एड्रेस करके आ रहा हूँ। मैंने देखा लोगों में काफ़ी उत्साह है और ब्लड का डोनेशन का अच्छा कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 30-40 यूनिट ब्लड यहाँ पर आज भी इकट्ठा होगा। विनीत जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम को पूरी बधाई। ब्लड बडीज़ इन्होंने एक क्लब भी बनाया हुआ है, जिसका मात्र सेवा का कार्य यही है कि ब्लड डोनेशन करते हैं, उसके साथ में कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको डोनेट करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। इस काम के लिए इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बस ये है कि लायंस इंटरनेशनल का जो उद्देश्य है, बी सर्व, सेवा करने का कार्य करते हैं। विनीत जी को बहुत बहुत बधाई, और सी न्यूज भारत की जो हमें कवर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं लायन विनीत श्रीवास्तव हूँ, और मैं सन 2007 से लायनिज्म करियर में हूँ, और 2010-11 से मैंने ब्लड डोनेशन फील्ड में एंट्री करी। तब से मैं कैबिनेट सेक्रेटरी ब्लड डोनेशन या ब्रांड एम्बेसडर ब्लड डोनेशन की पोस्ट पे अपने मंडल में कार्य कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी रक्तदान करता हूँ और लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि वो भी रक्तदान करें। प्रयास ये होता है कि इस कड़ी में जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ये मानव सेवा उन मरीज़ों के लिए, उन जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनकी
डिलीवरी होती है वो एक्सीडेंट विक्टिम्स जो दुर्घटनाओं में अचानक ब्लड चाहिए होता है, बहुत सारे लोग थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलर ब्लड 15 दिन में चाहिए होता है, कैंसर पेशेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मरीज़ हैं जिनको कि डेली आवश्यकता है। आज की तारीख में हमारी रक्त आपूर्ति उतनी हो नहीं पाती जितनी की डिमांड है, हमको कई सारे अस्पतालों में केवल रिप्लेसमेंट के बगैर ब्लड मिलता नहीं है। अब अगर मरीज़ बाहर से आया हुआ है, दूसरे मंडल से आया हुआ है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, डोनर कहाँ से लेके आएगा? उसके पास तो डोनर लखनऊ में नहीं है ना, अगर उसका पेशेंट यहाँ पे एडमिट है तो उसको हम ही लोग सहयोग करते हैं, हमारी संस्था सहयोग करती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड दिलाएं। मैं सभी इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहाँ पे बैठे हुए पुलिस कर्मियों से भी अपील की और अच्छा रक्तदान भी हुआ, अच्छा मोटिवेशन भी हुआ और इनके सहयोग से अच्छा ब्लड हमारा सक्सेसफुल कैंप भी हुआ। तो मैं यही सभी युवाओं से खासतौर से ये निवेदन करता हूँ, जो 18 साल से हो चुके हैं उससे बड़े हैं, 18 साल से 65 साल तक का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। मैं अभी करीब 70 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 30 बार मैं प्लेटलेट्स डोनेट कर चुका हूँ, डेंगू के पीरियड में भी और वैसे भी करता रहता हूँ। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, अपील है, युवाओं से खासतौर से, कि वो रक्तदान की फील्ड में अपना कदम बढ़ाएं। जो जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी लोग और जुड़ें, ऐसा मैं आपके माध्यम से, सी न्यूज़ के माध्यम से ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि रक्तदान इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ दान, उसको हम महादान कहते हैं और इसमें सभी लोग जुड़ें। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर ब्रजसुंदर हाजिरा। सर ये बताइए कि जैसे जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उनकी सीमा क्या होती है उम्र की? देखिए, जो पहली बार ब्लड डोनेट करते हैं वो 60 साल से कम होना चाहिए। अगर वो कोई डोनेट करता जा रहा है तो 65 तक डोनेट कर सकता है। कोई भी आदमी 18 साल से ऊपर वो डोनेशन शुरू कर सकता है। अगर फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहा है कोई आएगा तो 60 ईयर से पहले पहला शुरुआत होना चाहिए, उससे उसके बाद हम फर्स्ट टाइम कोई डोनेट नहीं कर पाएगा, बट 60 जो रूटीनली देता है तो वो 65 तक डोनेट कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि उससे वो ब्लड डोनेट कर रहा है? देखिए, उसका वजन तो 45 किलो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए, और उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स ना लो, रात को मतलब डोनेशन से पहले खाना खा के आए हो, रात को नींद पूरा होना चाहिए, कोई वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, कई सारे चीज़ें हैं, बट बेसिकली ये चीज़ कोई मेडिसिन ना लिया हो, रात को नींद अच्छा सा नींद सोया हो, कोई सफ़र करके ना आया हो, खाना अच्छे से खाया हो, ये सब चीज़ बेसिकली पहले देखना होता है। अच्छा, कि एक और क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि कोई आदमी ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके अंदर कोई सिम्टम है, कोई बीमारी है, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कर सकता है कि कोई बीमारी है और वो ब्लड डोनेट कर रहा है। देखिए, ऐसे तो कोई बीमारी है डोनेट बहुत सारे नहीं, बीमारी अगर कुछ जान, क्योंकि जो ब्लड हम जो डोनेट कर रहे हैं वो जिस पेशेंट को जा रहा है, कई सारे बीमारी है जो खून से फैलता है और कई सारे बीमारी है जिसका हमको नहीं पता है कि खून से फैलता है कि नहीं। तो ऐसे अगर किसी के पास कोई बीमारी है तो खून देना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ टेम्पररी, कोई डेंगू हुआ तो 6 महीने के लिए नहीं देता है, कोई टाइफाइड हुआ 1 साल के लिए नहीं देता है, बट परमानेंट डिफर, जैसे कि कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ जो होता है, जैसे कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस होता है, ल्यूपस, उसमें परमानेंटली डिफर होता है, ठीक है। कोई वैक्सीनेशन जो टीकाकरण हुआ है, जैसे रैबीज़ का टीका लगा है तो 1 साल तक नहीं देता है, वो कुछ टेम्पोरारी डिफरल होता है कि ये इससे, कोई एंटीबायोटिक्स लिया है तो 14 दिन तक नहीं दे सकता है, बट ऐसा नहीं कि जो कोई बीमारी है वो दे सकता है, सारे बीमारी, क्योंकि हमको सारे चीज़ ये जो है पता नहीं होता है कि कौन सा खून से, कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये फैलता है कि नहीं, तो कोई भी बीमारी है तो वो देना नहीं चाहिए खून, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, हाँ, और वो अगर चाह रही है कि वो ब्लड डोनेट करे? नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग फीमेल, जब तक मतलब फीमेल लैक्टेशन मतलब बच्चे को दूध, तब तक नहीं दे सकते वो। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।